गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन अवर प्रीवियस क्लास वी आर डिस्कसिंग द पेरेंटिंग स्टाइल्स, यानी माता पिता या पेरेंटिंग, जिसको कहते हैं कि परवरिश, या जो परवरिश की शैलियां होती हैं उसको हम कह सकते हैं. जो कि हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था पेरेंटिंग स्टाइल्स, पालन पोषण की शैलियां या पेरेंटिंग के ढंग. ठीक है, तो पेरेंटिंग क्या होती है ये हमने डिस्कस किया था. और जो हमने ग्रोमरॉन की बात की थी कि उन्होंने चार स्टाइल बताए हैं, बहुत सारी रिसर्च की थी 1960s में, और चार तरह की कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था. दो कैटेगरी हम डिस्कस कर चुके थे, उसमें थी ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग और दूसरी थी परमिसिव पेरेंटिंग. ठीक है, ऑथोरिटेरियन मीन्स हमने किया था कि वो ठीक नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग मानी जाती है, जिसमें कि रूल्स और जो एक्सपेक्टेशन होती है बहुत ज्यादा होती है बच्चों से, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. परमिसिव हमने पढ़ा था कि एक जो पेरेंट का रोल होता है एक फ्रेंड की तरह होता है, और एक बहुत अच्छी परमिसिव जो स्टाइल है वो मानी जाती है पेरेंटिंग की. इसके बाद आगे जो उन्होंने दो और कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, दो श्रेणियां और बताई हैं, वो और हम पढ़ेंगे. इसमें थर्ड आती है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग. अनइन्वॉल्व मीन्स इसको कहते हैं असंबद्ध शैली, या फिर असंबद्ध पालन पोषण की शैली, जिसमें पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते बच्चे के साथ ज्यादा. क्या होती है ये? दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग या दिस टाइप ऑफ पेरेंट्स गिव चिल्ड्रन अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड जनरली स्टे आउट ऑफ देयर वे. इस तरह की जो पेरेंट होते हैं वो कुछ ज्यादा ही फ्रीडम बच्चों को देते हैं. लॉट ऑफ फ्रीडम मीन्स कहते हैं ना कि आप कोई भी फ्रीडम देते हैं तो उस पर कुछ अंकुश, कुछ कंट्रोल जरूरी होता है, जिससे कि वो फ्रीडम बेकार न जाए, या उसका अच्छी तरह से फायदा उठाया जा सके, या उसको गलत दिशा में यूज ना किया जा सके. लेकिन जो इस तरह की पेरेंटिंग होती है वो बच्चों को फ्रीडम तो देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा देते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होती. स्टे आउट ऑफ देयर वे कि उनके रास्ते में बिल्कुल नहीं आते, उनको बिल्कुल देखते ही नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं. सम पेरेंट्स मे मेक अ कॉन्शियस डिसीजन टू पेरेंट इन दिस वे वाइल अदर्स आर लेस इंटरेस्टेड इन पेरेंटिंग और अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू. कुछ पेरेंट्स कुछ जो फिक्र है, कुछ कॉन्शियसनेस है बच्चे के प्रति दिखाते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अनइन्वॉल्व है, वो बिल्कुल पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं. बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उसका इंटरेस्ट है, उनको बच्चों की किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. वो अपने तरीके से बच्चों को खुला छोड़ देते हैं कि वो कुछ भी करे, इवन पूरा दिन, जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ पेरेंट्स हैं अपने अपने काम में लगे रहते हैं, बच्चे को फ्रीडम दे दी, उसको फैसिलिटी दे दी, लेकिन उसको नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किस तरह अपने टाइम को कंज्यूम कर रहा है, किन के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा है, किन किन चीजों को कर रहा है. तो इस तरह इसको अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग माना जाता है, कि जो कि बच्चे को बिल्कुल देखते ही नहीं है, जिनको नहीं पता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस आकर उन्होंने एक बार बच्चे को देख लिया या उनको पता है कि हाँ घर पे है बस, उसके अलावा उसको उनको कोई उससे पूरे दिन का होता है कि इंटरेक्शन करना होता है, लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल लिमिटेड. देख लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत पूछ लिया उससे कभी कभार, जैसे एक अजनबी से मिलते हैं, इस तरह से उनके साथ बच्चों के साथ बिहेवियर होता है, कि बस उसको थोड़ा सा बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है. ऐसा नहीं होता कि जैसे पेरेंट्स माता पिता जो होते हैं वो बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, पूरे दिन का हाल चाल पूछते हैं, बच्चे बताते हैं, ठीक है, और हर चीज में इन्वॉल्वमेंट होती है, ऐसा कुछ भी इस पेरेंटिंग में नहीं होता है. नो पर्टिकुलर डिसिप्लिन स्टाइल इज यूटिलाइज. कोई भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, कोई अनुशासन नहीं, कोई उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती है कि तुम्हें ये करना है. एन अनइन्वॉल्व पेरेंट लेट्स चाइल्ड मोस्टली डू व्हाट ही वांट्स, पूरी तरह छोड़ देते कि बच्चा जो को करना चाहता है वो करे, प्रोबेबली बट अब लैक ऑफ केयरिंग नहीं होती है. हम इसको केयरिंग कह ही नहीं सकते, अगर आप बच्चे को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं तो वो केयरिंग नहीं है. बच्चे की केयर कब होती है कि आपको फ्रीडम दो लिमिटेड, उसका ध्यान भी रखिए वो क्या कर रहा है, उसके अच्छे के लिए काम कीजिए, उसको अच्छी बातें सिखाइए, उसकी लाइफ को डिसिप्लिन से मेंटेन करिए, ठीक है. तो बहुत सारी चीजें होती है जो कि इस तरह की पेरेंटिंग में बिल्कुल नहीं होती. दे हैव नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती. जैसा फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कि बच्चे एडोलसेंट होते हैं, माँ बाप उनको छोड़ देते हैं खुला, वो अपनी लाइफ जीते हैं, बच्चे अपनी लाइफ जीते हैं, कि वो कुछ भी करें, बस उनको वो इतना इंडिपेंडेंट बना देते हैं कि बच्चे अपना खर्चा खुद अपनी लाइफ जी सके, अपना खर्चा उठा सके बस, ठीक है. तो इस तरह अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग बहुत ही पेरेंटिंग ही बहुत गलत शैली मानी जाती है, जो कि जो एक पेरेंट्स और बच्चे का रिश्ता होता है उसके बिल्कुल अपोजिट है. नेक्स्ट उन्होंने बताई है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग. इसको कुछ कुछ परमिसिव की तरह है, लेकिन ये ना तो पूरी तरह ऑथोरिटेरियन है, कुछ क्वालिटी है ऑथोरिटेरियन की जहां पर डिसिप्लिन की बात आती है, लेकिन डिसिप्लिन इतना सख्त नहीं होता कि जितना ऑथोरिटेरियन में हमने पढ़ा था. इसमें कुछ परमिसिव जैसी फ्रेंडलीनेस होती है, ओपननेस होती है बच्चे के साथ, और कुछ ऑथोरिटेरियन जैसा डिसिप्लिन होता है. दोनों का हम मिक्सचर कह सकते हैं इस शैली को, यानी परमिसिव ऑथोरिटेरियन का मिक्सचर है, जहां पर ऑथोरिटेरियन होना चाहिए थोड़ा वहां पर उतना इसमें रखा जाता है, और जितना परमिसिव होना चाहिए उतना पेरेंट इसको पेरेंट्स जो होते हैं वो इतना फॉलो करते हैं. तो इसको एक आदर्श शैली माना जाता है पेरेंटिंग की. चलिए देखते हैं क्या है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग.
जो इस तरह के पेरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर रीजनेबल एंड नर्चरिंग। वो रीजनेबल यानी कारण के हिसाब से नर्चरिंग पोषण देते हैं बच्चे को, उसकी पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, केयर करते हैं और एक रीजनेबल उस पर अंकुश भी रखते हैं। एंड सेट हाई क्लियर एक्सपेक्टेशन चिल्ड्रन, एक हाई उच्च यानी उसके भविष्य के लिए वो बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं कि बच्चा अच्छे से उसके गोल हो, लाइफ में कुछ करे, उसका कोई लाइफ को लेकर कोई उद्देश्य हो, वो जीवन में आगे बढ़े। और क्लियर होते हैं यानी बच्चे को फैसिलिटी देते हैं, उसको अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि तुम्हें ये करना है जीवन में, उसको ऐसे नहीं कि खुला छोड़ दिया कुछ भी करो या देखा ही नहीं या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा उसके साथ स्ट्रिक्टनेस हुई कि नहीं उसको घर से बाहर ही नहीं जाना, नहीं। वो उसको फ्रीडम भी देते हैं, उसको हर तरह से फैसिलिटी भी देते हैं, उस पर डिसिप्लिन भी रखते हैं, कंट्रोल भी रखते हैं और जहां जरूरत होती है वहां पर बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी होती है बच्चे के साथ, और जहां वो लगता है उनको फ्रेंडली या सपोर्टिव होना चाहिए वहां वो भी होते हैं। चिल्ड्रन विद पेरेंट्स हु डेमोन्स्ट्रेट द स्टाइल टेंड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड थिंक फॉर देम सेल्फ, दिस स्टाइल इज थॉट टू बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन। देखिए सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है, अब वो कहते हैं बच्चों को वो इस तरह से परवरिश करते हैं, इस तरह से बड़ा करते हैं कि बच्चों में खुद से डिसिप्लिन हो, उनको कहने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। वो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि डर के मारे, जो डर के वाले डिसिप्लिन होता है वो ये नहीं चाहते कि बच्चे डर के मारे डिसिप्लिन या रूल्स को फॉलो करें। इस तरह के पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा खुद से डिसिप्लिन करे, यानी उसको खुद पता हो कि जीवन में अनुशासन की क्या रोल है, क्या महत्वपूर्ण है अनुशासन जीवन के लिए और क्यों उनको जो रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए उनकी, यानी उनके दिमाग में ये हो, उनके माइंड में कि रूल्स को फॉलो करना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में सफल होने के लिए, ठीक है। तो और इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं, इस तरह की जो पेरेंटिंग स्टाइल है बहुत बेनिफिशियल लाभदायक होती है बच्चे के लिए। रूल्स आर क्लियर एंड द रीजन बिहाइंड देम आर एक्सप्लेन्ड। रूल्स क्लियर होते हैं, ऐसा नहीं कि रूल्स बस थोप दिए, जैसे हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था ऑथोरिटेरियन में, इसमें रूल्स वो बताते हैं कि क्यों है, अगर हमने आप पे पाबंदी लगाई है तो क्यों लगाई है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। बच्चे को उसके फायदे और नुकसान बताए जाते हैं एंड द रीजन बिहाइंड देम आर एक्सप्लेन्ड। दे आर नर्चरिंग, वे बहुत ज्यादा पालन पोषण करने वाले होते हैं, बच्चों का ध्यान रखने वाले होते हैं। दे आर डिसिप्लिन बट सपोर्टिव, डिसिप्लिनरी होते हैं, अनुशासनात्मक होते हैं लेकिन सपोर्टिव भी होते हैं। तो आपने देखा होगा अगर हमने पूरा अभी चारों टाइप को किया, सबसे ज्यादा अच्छा टाइप और पेरेंटिंग की शैली जो नपी तुली और बैलेंस शैली होनी चाहिए वो यही है। ऑथोरिटेरियन में बहुत ज्यादा थी वो, परमिसिव में भी बहुत अच्छा था लेकिन उसमें कहना कि थोड़ा सा अनुशासन की लैक थी, और अनइन्वॉल्व में बिल्कुल पूरी तरह से बच्चे से बेखबर होते हैं पेरेंट्स, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, बच्चे का कोई अटैचमेंट ही नहीं होता अगर इंट्रक्शन ना हो। लेकिन ऑथोरिटेटिव पेरेंट में एक मार्गदर्शक होते हैं बच्चे के, गाइड होते हैं, फ्रेंड होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, डिसिप्लिन भी होता है, कंट्रोल भी होता है, जहां आजादी होती है वहां आजादी देते हैं, जहां कंट्रोल करना होता है वहां कंट्रोल होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं बच्चे, ठीक है। और क्या होता है, और बहुत सारी चीजें जो कि हमें एक बच्चे के जीवन को बैलेंस करने के लिए, सफल बनाने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब कुछ होती हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरह की जो पेरेंटिंग शैलियां हैं चार, बहुत अच्छे से बूमरिन ने बताई हैं, और इन शैली को अगर हम फॉलो करते हैं, इनको एक बार पढ़ के हम अच्छे से अपनी पेरेंटिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह से हमें बच्चों की परवरिश या उसकी पेरेंटिंग स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है, आप इसको रिकैप्चुलाइज कर लीजिए। इसमें आपको कोई भी अगर किसी पर्टिकुलर टाइप में कंफ्यूजन है, किसी दो में कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं।